उपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता नमस्कार। आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और आज एक पढ़ाई से इतर वीडियो डाल रहा हूँ चैनल पे, और बहुत ही ज़रूरी है। खासकर उन बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो देखें जो अभी तैयारी कर रहे हैं, जो तैयारी कर चुके हैं बीएचयू में, वो तो देखेंगे ही, वो भी देखें, क्योंकि ये आपके सीनियर्स की बात है और आपकी सीनियर्स हमेशा आपका मदद करते रहे हैं। कभी भी जैसे लास्ट ईयर हो या उसके लास्ट ईयर जब आपके एग्ज़ाम इंट्रेंस एग्ज़ाम्स में देरी हो, कोई अनियमितताएँ हो, तो उसमें हमेशा वो बढ़ चढ़ के आपका साथ दिए हैं। तो अब आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और इस बात को, इस मुहिम को बताएँ कि अगर कोई बनारस में हो या बीएचयू के आसपास हो तो आए और इस मुहिम को ज्वाइन करें। और क्या है इसके बारे में डिटेल में अभी बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ कुछ लोग हैं, कुछ छात्र हैं, ये अपना परिचय देंगे और बताएंगे कि क्या है, क्यों आप लोग यहाँ एकत्रित हैं, क्यों ये धरना कर रहे हैं, बताइए। मेरा नाम अभय है, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP का BHU यूनिट का प्रेसिडेंट हूँ। अभी जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि देश भर में पिछले 2 साल से विश्वविद्यालय कोरोना के कारण बंद पड़े थे, कभी आंशिक रूप से तो कभी पूर्ण रूप से विश्वविद्यालय बंद थे। ऐसी स्थिति में शिक्षा तो दूर, ऑनलाइन कक्षाएं भी सभी विश्वविद्यालयों में किस प्रकार चली थी ये हम सभी को ज्ञात है। आज जब देश भर में कोरोना वायरस की स्थिति सुधर रही है, सरकारों ने भी अपनी दिशा निर्देशों में ढील दी है, और इसी के मद्देनज़र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय समेत देश भर के विश्वविद्यालय अब खुल रहे हैं छात्रों की ऑफलाइन शिक्षा के लिए। ऐसे में आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, धरना दे रहे हैं पिछले 2 दिनों से कि BHU प्रशासन भी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी छात्रों की ऑफलाइन शिक्षा के लिए, ऑफलाइन माध्यम से क्लासेस को खोलने के लिए अपनी पहल करे, अपना प्लान बताए कि वो कब से ऑफलाइन कक्षाएं खोलने जा रहे हैं, कब से हॉस्टल अलॉटमेंट करने जा रहे हैं। क्योंकि हम ऐसा देख रहे हैं कि पिछले 2 साल में जैसा कोरोना के कारण माहौल बना है, उसे जो आम छात्र है बहुत ही, मैं कहूँगा कि फ्रस्ट्रेटेड हो गया है, उसको शैक्षणिक विकास तो उसका एकदम न के बराबर है, साथ ही साथ व्यक्तित्व विकास भी उसका नहीं हो पा रहा है। व्यक्तित्व विकास हमेशा विश्वविद्यालयों में ही हो सकता है। इस स्थिति में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जब प्रशासन से मिलने गया, प्रशासन ने हमारी बात नहीं सुनी, तो आज छात्रों की आवाज़ को लेकर, छात्रों की मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस अनिश्चितकालीन इनडेफिनिट स्ट्राइक पर यहाँ बैठा है, और जब तक विश्वविद्यालय को खोलने के लिए निर्णय नहीं लिया जाएगा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यहाँ बैठा रहेगा। कितनी देर से आप लोग बैठे हैं धरने पे और मुख्य मुद्दा आपका क्या है? देखिए, हम लोग कल से धरने पर यहाँ बैठे हैं, VC आवास पर, वाइस चांसलर आवास पर। कल लगभग 2 बजे से हम लोग यहाँ धरने में बैठे हैं, कल दोपहर 2 बजे से हम लोग यहाँ बैठे हैं, और हमारी एकमात्र मांग है कि विश्वविद्यालय को पठन पाठन के लिए, पढ़ाई के लिए छात्रों के लिए खोला जाए और उनकी कैंपस से वापसी सुनिश्चित की जाए, जिससे उनकी पढ़ाई को नुकसान ना हो, आने वाले समय में उनके करियर पर कोई नुकसान ना हो, और वो आके जैसे छात्र को विश्वविद्यालय में आकर मौके मिलते हैं, जिस प्रकार के उसको अवसर मिलते हैं, वैसे अवसर सभी छात्रों को मिलें। तो ये हमारी एकमात्र मांग है कि विश्वविद्यालय को खोला जाए। ठीक है, तो और हमारे साथ देखिए और भी छात्र हैं, और आप बताइए कि आपका परिचय क्या है। ठीक है जी, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो भी प्रथम वर्ष में एडमिशन लिए हुए हैं। मेरा नाम पुनीत मिश्रा है और मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABEP का कैंपस सेक्रेटरी हूँ। देखिए, विश्वविद्यालय या किसी भी विद्यालय का निर्माण इसीलिए किया जाता है कि शिक्षा का आदान प्रदान होता रहे, विचारों का आदान प्रदान होता रहे, लेकिन हम देख रहे हैं कि 2 साल से जैसा पेंडेमिक स्थिति चल रही थी, उसको किसी तरह से हमने समझा कि हाँ पेंडेमिक स्थिति चल रही है, बंद रहना चाहिए। बंद था, हमने कोई विरोध दर्ज नहीं कराया, ना हमने कभी किसी से कहा कि भाई विश्वविद्यालय को खोलो, लेकिन आज वो स्थिति आ गई है कि जब सारे कहा जाए कि उत्तर प्रदेश और केंद्रीय स्तर के विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, तो आखिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पास ऐसी क्या मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं जिनको देखते हुए हम कमज़ोर, असहज महसूस कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय को हम नहीं खोल पा रहे हैं। हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अपने साथ जो भी इस चैनल के माध्यम से जुड़े छात्र हैं, उनसे यही कहेंगे कि आप लोग इस मुहिम में साथ आएँ,
और घर से ही बैठे बैठे हम आपको ये नहीं कहेंगे कि अभी आपको हॉस्टल भी नहीं है, अभी आपके लिए कैंपस भी नहीं खुला है और आप यहाँ आए। घर से ही बैठे बैठे जिस तरीके से आप सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट करिए, और आपके लिए हम सब के लिए आशा है जल्दी कैंपस खुलेगा, और जब तक नहीं खुलेगा तब तक हम सब लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इस प्रयास के लिए मैं उनको बहुत सराह रहा हूँ, और मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों कि अगर आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो भी अगर आप यहाँ पे अभी नहीं इनरोल्ड हैं तब भी आप ऑनलाइन मूवमेंट में जुड़िए, क्योंकि देखिए ये आपके सीनियर्स हैं, सीनियर्स की बात है, आप भी एक साल बाद कैंपस में आ जाएंगे तो उसके बाद आपको भी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। तो ये जो एक यूनिवर्सिटी का कल्चर होता है ना, सीनियर जूनियर से मिल के चीज़ों को सामंजस्य से बैठा के चलते हैं, तो आपको कभी ज़रूरत होगी तो वो आपके लिए आएंगे, और आज उनको ज़रूरत है, आपको आगे आने की ज़रूरत है। तो मैं सभी बच्चों से बोलूँगा आप ट्विटर के माध्यम से BCBHU को टैग करके या जैसे भी आप पहुँचाना चाहते हैं इस मैसेज को आप ज़रूर पहुँचाइए, और बच्चों को शैक्षणिक विकास के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कैंपस का खुलना जब सारी चीज़ें सुचारू रूप से चल रही है तो ये भी जरूरी है। धन्यवाद। उपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम।